जब आप आए हैं तो मुझे आप कुछ डरे डरे से लग रहे हैं। मैं खौफजदा हुआ हूँ। किस बात से आप खौफजदा इसलिए हुआ हूँ क्योंकि यहाँ गेस्ट जो भी आता है ना वो कहानियाँ ऐसी लेकर आता है कि वो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। बताता चलूँ, हसन अदील जो हमारे पाकिस्तान के यंगेस्ट सोशल वर्कर हैं, उनकी ये वालदा हैं। एंड थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, आप आए। थैंक यू सो मच, आपने हमें बुलाया। आप सारा पॉडकास्ट स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे पूछती हूँ, आप इन बातों पे ट्रस्ट करते हैं? मैं इन बातों पे बिल्कुल ट्रस्ट करता हूँ। या सिर्फ पॉडकास्ट की हद तक? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। मैं इतने सारे मैंने मंजन दिए मैं और कोई बोलेगा। अच्छा, वैसे लोगों का सवाल होता है यार, सारी चीज़ें अजलान भाई के साथ क्यों होती हैं? हाँ, क्यों होती हैं? यार मैं समझता हूँ कि अगर एक बार आपकी नज़र खुल जाए या आप के दिल में थोड़ा सा कुछ यू नो वहम या सेंसेस स्पाइडी सेंस ऑन हो तो आपको ये चीज़ें जो है ना आप थोड़े अलर्ट हो जाता है, आपकी छठी बत्ती ज़्यादा ऑन हुई हुई होती है। तो इसलिए मेरे साथ सीन काफ़ी, वैसे देखा जाए तो सीन काफ़ी लोगों के साथ हुए हुए होते हैं। याद रखना एक कला है, एक आर्ट है। मगर वो जो गूज बम्स ऊपर हो जाते हैं वो फैक्ट और उसके बाद जो आपको एहसास होना शुरू होता है कि स्पेशली जब हम रात के टाइम पे बड़ा हमें खौफ आता है ना बहुत ज़्यादा। मुझे दिन में भी आ रहा होता है। मैं तो जब दिन में आपको किससे खौफ आ रहा होता है? इस सीट पर बैठता हूँ और मुझे खौफ आना शुरू हो जाता है। मैं यूँ हो जाता हूँ, अच्छा हाँ जी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप दुबई में थी और आपके साथ दुबई में एक वाक़या हुआ था, वो वाक़या मैं सुनना चाहूँगा, प्लीज़ बताएं। अजलान, पहली बात तो ये कि जब हम दूसरे कंट्री में होते हैं ना तो हम इन सारी चीज़ों से ज़रा दूर होते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो जाहिर है कमर में दर्द हुआ जादू है, खांसी हो गई जादू है, कान में दर्द हो गया जादू है, और आप कोई सुबह निकले शाम में काम ख़राब हो गया जादू है किसी ने। तो यहाँ पे तो खैर हम इन चीज़ों से दिन भर लड़ ही रहे होते हैं कि चलो ये भी जादू है वो भी जादू है। मगर जब आप अपने मुल्क में नहीं और आप कहीं बाहर हैं, यहाँ कौन जादू करेगा? यहाँ कौन से बाबा सिफली करेगा कुछ पे? नहीं, मतलब मुल्क के बाहर। हाँ एग्जैक्टली तो वहाँ मैं रहने मतलब शादी होके वहाँ पे गई। तो मुझे 1.5 महीना हुआ था और मुझे अपना घर को खाली करके और उसमें न्यू फर्नीचर और न्यू सारा इंटीरियर वगैरह हम डाल रहे थे। तो उस वक्त हमने घर को खाली कर दिया और मैंने पूरी घर की सफाई वगैरह कराई और सफाई वगैरह करा के एक मंजी टाइप का बेड था वो उस पे मैंने सोना था। और मेरे कज़न ब्रदर जो थे, छोटा बच्चा है वो, मतलब कोई 12, 13, 14 साल का होगा। मैंने कहा आज रात यहाँ रह जाओ, इसलिए क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली हूँ और क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो नाइट शिफ्ट्स करते थे तो तुम मुझे खौफ नहीं आएगा। और मतलब खौफ इन द सेंस कि भाई नई जगह पे हम आए हैं, खाली घर है, एग्जैक्टली तो कोई होगा, मूवी शूवी देखेंगे और पूरा फन वन करेंगे। तो कह रहे हैं हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो वो रुका हुआ था, तो हम मूवी देख रहे थे और मैंने मैगी वैगी बनाया और फुल माहौल बना हुआ था। थोड़ी देर के बाद मुझे नींद आना शुरू हुई तो वो वहाँ मूवी देख रहा है और मैं दूसरे रूम में आ गई। ओके, दूसरे रूम में जब मैं पहुंच के मैं लाइट बंद की और मैं सो गई। अच्छा, उस मंजी पे जो है ना मैं फर्स्ट टाइम सोई थी क्योंकि वो सारा पुराना फर्नीचर तो मैंने निकाल के फेंक दिया था, तीसरे दिन दूसरा आना था। मैं सो गई, रात के कोई 3:45 बज रहे होंगे और आप समझे कि मैं बिल्कुल लेटी हुई हूँ और मुझे एकदम से मैं ऐसे हुई, झटका हुआ मुझे और मैंने देखा कि मुझे महसूस होना शुरू हुआ कि यहाँ इस वाली बेड की इस वाली जगह पे यानी मंजी की इस वाली राइट साइड पे कुछ हो रहा है, कोई चीज़ प्रेस हो रही है और मुझे महसूस हो रहा है, हालांकि वहाँ पे इतनी जगह नहीं थी। जब मैं वहाँ पे मैंने देखा मैंने कोशिश की कि मैं ज़रा हाथ लगाऊँ कि कौन है। अच्छा, आप समझ नहीं पाते हो ना, आपके जहन बहुत उस टाइम पर बहुत सारी जगह चला जाता है। मेरे हाथ बंद हो गए, मैं हाथ को मूव नहीं कर सक रही अजलान। मेरा दिल चाह रहा है मैं अच्छा पैर हिलाऊं, कोई ज़ोर से चीज़ फेंकूं, कोई चीज़ अपनी, कोई कुछ भी नहीं। मेरा दिल चाह रहा है मैं मोबाइल उठा के अपने कज़न ब्रदर को फ़ोन करूं बराबर में, या मोबाइल उठा के मोबाइल ही फेंक दूं, किसी तरह मुझे खोलो। अब उस वक्त मुझे ये महसूस हो रहा है कि हो सकता है कि शायद मैं ख्वाब देख रही हूँ, मगर मैं ख्वाब नहीं देख रही थी क्योंकि मैंने अपने बाल ऐसे ऐसे हिलाना शुरू कर दिए और पूरा जो है ना मैंने ख़ुद को मूव करने की पूरी कोशिश की है। उस वक्त मुझे सिर्फ एक ही चीज़ याद आई, मैंने कहा चार कुल पढ़नी है, पहली बार ये समझ में नहीं आता, स्वेटिंग हो रही थी, पसीना गिर रहा था। और आपको पता है वहाँ पे दुबई के अंदर होता ही सेंट्रली एयर कंडीशन है, तो गर्मी या पसीने का तो सवाल ही नहीं होता। 10 मिनट के बाद स्लोली बॉडी रिलीज़ होना शुरू हो गई, और उसके बाद जो मेरा हाल हुआ है, मैं बिल्कुल पुरसुकून थी, कोई चीज़ ने मुझे कुछ अफेक्ट नहीं किया था, मगर आधा घंटे तक मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहा था। आधे घंटे के बाद जब मैं उठने की कोशिश की तो मैं पानी का ग्लास ऐसे पकड़ा था मैंने, एंड लिटरली मुझे ऐसा महसूस हुआ फर्स्ट टाइम कि भाई दुबई में भी कुछ होता है। एंड उस घर में कुछ था, उस कमरे में कुछ था। एक ही दफ़ा हुआ नहीं, इसके बाद मेरे हस्बैंड जो हैं वो, चूँकि हम लोग वहाँ पे शेयरिंग पे रहते थे शुरू में, क्योंकि जब मैं नई गई थी तो 2 रूम मेरे थे और 1 रूम जो है वो एक और बड़ी पर्सनालिटी है वो उनका था, वो भी किसी मीडिया से ताल्लुक़ है उनका। तो उनकी मेरे हस्बैंड जो वहाँ थे, तो वो जो जिन शख्स की मैं बात कर रही हूँ उनके दादा का इंतकाल हो गया। Okay. और वो कराची चले गए। ठीक है। कराची जाने के बाद उस ही कमरे में 2 दिन के बाद उनके दादा की पिक्चर वहाँ लगी हुई थी यादगार के लिए, या शायद वो छोड़ के भूल गया होगा या व्हाटएवर। 2 दिन के बाद उनके सोयम से पहले मेरे हस्बैंड के पास उनके दादा आए और उनको ऐसे ऐसे किया। तो उनके दादा जो है उनकी कोई एक हल्की सी शबी टाइप सफ़ेद से जो कुछ चीज़ आई, उसने ऐसे किया और वो कहाँ है ऐसे देख के वो गायब हो गए। और वो वही थे क्योंकि मेरे हस्बैंड उनसे मिल चुके थे, उनके दादा से। तो उस कमरे में ये चीज़ हुई। अच्छा, रूहें आती हैं इंतकाल के बाद, रूहें आती हैं। अब ये चीज़ मैंने आई डोंट थिंक सो मैंने पॉडकास्ट में तो नहीं की है ना, कभी बताया मैंने पॉडकास्ट में अब्बा वाला सीन बताया था? हाँ, बताया। मुझे याद नहीं आ रहा मैंने बताया था कि नहीं बताया था, लेकिन अगर बताया मैं दोबारा बता देता हूँ। मैं इन लोग को मैंने बताया था, अब्बा का इंतकाल अभी रिसेंटली हुआ है, लाइक 7 मई को, एंड उसी दिन मेरी मंगनी भी हुई है 7 मई को। ठीक है, तो जिस दिन अब्बा का इंतकाल हुआ है उसके नेक्स्ट डे जिस रूम में अब्बा होते थे, अम्मी अबू जिस कमरे में होते थे, अब मेरा अपार्टमेंट और मेरे भाई का अपार्टमेंट बस बराबर है, सिर्फ बीच में एक दीवार है। तो अम्मी जो है वो भाई के पास रुकी हुई थी। उस कमरे में हम लोग ने मना कर दिया था, अम्मी अबू मेरे साथ रहते थे, तो मैंने कहा था अम्मी इस यहाँ कमरे में ना सोएं, आप बराबर भाई के घर में चले जाएं। तो हुआ ये कि मैं बाहर आया हूँ पानी पीने के लिए किचन में, और पीछे ही वरीशा मेरे साथ खड़ी हुई थी, मेरा कुत्ता भी नीचे बैठा हुआ है, मेरी दोनों बिल्लियाँ भी हैं। जिस रूम में अब्बा होते थे ना, उस रूम में कुछ गिरने की आवाज़ आई, धड़ 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 करके कुछ गिरा, और मैं यूँ पानी भर रहा हूँ, मैंने पीछे वरीशा को देखा, मैंने बोला कुछ आवाज़ आई तो मैं बोला हाँ कुछ चीज़ गिरने की आवाज़ आई है। मैंने सबसे पहले नीचे देखा, बिल्लियाँ भी, दोनों बिल्लियाँ मेरी यहाँ पर है, कोको भी मेरा यहाँ पर है। अब कमरे से आवाज़ आई, मैं कमरे के अंदर गया। अच्छा, जिस बेड की साइड पे अब्बा जो इंतकाल हुआ था, मैं उस साइड पर गया। अब जैसे जैसे मैं उस साइड पे गया ना, मेरे ऊपर से लेके नीचे तक पूरे रोंगटे पूरे खड़े हो गए ना, एक्सट्रीम ऐसा लग रहा को 440 वॉल्ट का। टाइम क्या था? रात का वक्त था, मेरे ख्याल कुछ 12:30 पौने 1 बजे। खुशबू महसूस हुई उस टाइम? खुशबू नहीं, मुझे कोई खुशबू महसूस नहीं हुई थी, मुझे बहुत सारी जो है ना बस मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एंड मैंने कहा पता नहीं यार कुछ है यहाँ। अच्छा, फिर वो चेक करने के लिए मुझे लगा उससे मेरा खौफ हो, रोंगटे आपके 1-2-3 सेकंड के लिए खड़े होंगे। मैं वहाँ से निकल के अपने कमरे में गया और आपको 1.5-2-3 मिनट तक जो है ना मैं बिल्कुल चार्ज बैठा रहा हूँ कि यार कुछ है। अब सवाल ये गिरा क्या था, तो अब्बा की कुछ पिक्चर्स वगैरह थी जो कि अम्मी ने रखी हुई थी, वो वहाँ से गिरी थी, और वो बिल्कुल शेल्फ पे जैसे यूँ रखी हुई और बस यहाँ से यूँ गिर गई। तो ये एक चीज़ हुई थी एंड आई थिंक शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ, बट हाँ ये आपकी बात से मैं उसको लिंक करूँगा कि हाँ मरने के बाद रूहें आती हैं आपके घर वालों को देखने के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके कोई भी आपका करीबी दुनिया छोड़ के अगर गया है तो उसके लिए आप पढ़ें, उसके लिए दुआएं करें, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो काम आती हैं। रोना धोना नहीं काम आएगा। हाँ बंदा एक टाइम पर आके जो है ना वो काफ़ी एक अपसेट हो जाता है, उसको एक बहुत सारी चीज़ें उसको ट्रिगर करती हैं, बहुत रोता है एंड आप नहीं कंट्रोल कर पाते अपने आप को। लेकिन जो काम वाली चीज़ है ना वो ये है कि आप लोगों को खाना खिला दो या यू नो उनकी मगफिरत के लिए कोई भी अच्छा नेक काम जिससे उनको उससे बड़ा फायदा होता है। और वैसे भी जब आपकी डेथ हो जाती है तो उस वक्त में अब देखिए कुछ लोगों का मानना है कुछ लोगों का नहीं है, बट फिर भी मैंने एक वीडियो में देखा था और बहुत सारे लोगों से भी सुना है कि जब आपकी डेथ हो जाती है तो जब तक आपको दफना नहीं दिया जाता तब तक वो डेथ बॉडी जो है वो सराउंडिंग में आपके आसपास होती है, आपको उसकी आवाज़ नहीं आती और उसको भी ये बात महसूस होते हुए टाइम लगता है कि मैं अजलान को आवाज़ दे रहा हूँ। मतलब मैं अपने अब्बू की बात करूँ अगर तो कि बेटा मुझे मत ले जाओ प्लीज़, मुझे मत ले जाओ, मुझे मत, मगर हम तो 15 मिनट से उस डेथ बॉडी को मैयत यानी अब्बू हैं अम्मी मैयत को ले जाना है, मैयत को उठाना है, मैयत को दफनाना है, ये करना शुरू कर देते हैं। वो उसके लिए ख्वाब होता है। हाँ वो उस मैयत के लिए ख्वाब होता है कि यार मैं शायद ख्वाब देख रहा हूँ और मैं भी उड़ जाऊंगा एंड वो उसको फिर कवर में वो देख रहा होता है सारी चीज़ें, उसको कवर में लिटा रहे हैं, उसके घर वाले देख रहे हैं, उसको दफना रहे हैं, फिर जब उसकी आँख खुलती है ना तो कवर में होता है वो। तो ये चीज़ का कुरान में भी जिक्र है, इसका खौफ है आपको पता है। हाँ ये एक बहुत ख़तरनाक खौफ है, इसको बस अल्लाह ताला हम सबको कबर के अजाब से बचाए। एंड लेकिन आपने जो मुझे बताया कि आपके हाथ पैर यू नो फ्रीज हो गए उसी रूम में। अच्छा अब मैं आपको बता रही हूं, स्लीप पैरालिसिस तो नहीं कहेंगे इसको अजलान, उसमें भी ऐसा ही होता है कि आपके हाथ पैर जम जाते हैं। एंड स्लीप पैरालिसिस क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन या अच्छा मैं अपनी पर्सनालिटी अपनी ज़ात की बात करूं तो मेरी स्लीप पैरालिसिस को आप हो जाएंगी नहीं 365 डेज जो हैं उसमें मुझे अगर 24 घंटे में मुझे आप समझे कि 23 घंटे टेंशन रहता है। हाँ तो अब ये स्लीप पैरालिसिस तो मुझे एक ही बार हुआ और वो बड़ा कमाल का हुआ और मैं बहुत फील करती हूँ। मतलब मैं उसी कमरे में खड़ी हुई हूँ, नीचे एक दुकान नज़र आ रही है, वो एक शॉप है जो डेली रात को 8:30 बजे बंद हो रही है, वो है रियल स्टेट की शॉप दुबई के अंदर मेगा मॉल के साथ में फ्रूट मार्केट के बिल्कुल अपोजिट एक शॉप है रियल स्टेट के नाम से और वो जो है वो रियल स्टेट अच्छा वहाँ पे शटर्स वगैरह नहीं होते, ग्लास डोर्स बंद कर देते हैं तो वहाँ पे यहाँ ग्लास डोर बंद करेंगे अगले दिन सब गायब होगा तो फिर जिन बूथ की ज़रूरत ही नहीं रहेगी वो भी मिल जाएंगे। तो ग्लास डोर बंद करके वो बंदा जाता था, अरबी था, वो बंद करके गया हुआ। अब मैं हसन छोटा था तो मैं उसको लेके खिड़की के पास बैठ जाती थी और मैं उसको गाड़ियाँ दिखाती रहती थी तो वो अपना टाइम पास करे, क्योंकि उस वो टाइम ऐसा था कि ज़रा मोबाइल से दूरी थी क्योंकि वो मोबाइल में चीज़ें बड़ी महंगी होती थी तो इंटरनेट ख़रीदना बड़ा महंगा था सारा कुछ। तो सामने से मैं 10:30-11 बजे के बाद कोई एक चीज़ यानी कोई सफ़ेद कपड़ा ऐसे ऐसे मूव करता था। कहाँ पे? उस दुकान में, उस दुकान के अंदर। 7 दिन तक मैंने डेली देखा है अजलान, 7 दिन तक मैंने डेली। अच्छा मेरा ब्रदर इन लॉ आया और वो जो है वो 3-4 दिन रुकने आया ना। अच्छा मैं आपको पता है मेरे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी होती है तो वो जो चलें भाभी हम लोग कहीं घूमने चलते ये करते हैं। मैंने कहा हाँ ये सारा घूम फिर लिया, सारा कुछ दिखाया, अब हम बैठे खड़े हुए, मैं हसन को लेके वहाँ खड़ी हुई। मैंने कहा अली भाई ज़रा 1 मिनट इधर आएँ, कहते हैं जी। अच्छा वो खुद भी ना रात को वो भूत भूत वाली मूवियाँ देखते थे तो मैंने कहा शायद यही आदमी मेरे दिल की बात समझ सकेगा कि आखिर मसला क्या है। ये मतलब मुझे वहम हो रहा है कोई अंदर, ये भी हो सकता है कि कोई चौकीदार है जिसको बंद करके जा रहा है अंदर नाच रहा है कुछ भी कर रहा है सफेद कपड़ों में अंदर नाच रहा है दुकान के अंदर और वो भी ऐसे ऐसे नाचना ये वाला डाला। अब उसने क्या किया वो आए, मैंने कहा ज़रा गौर से देखें 5 मिनट तो ऐसे करते हैं, नहीं नहीं मुझे ऐसा लगता है कोई आदमी होगा, नहीं नहीं मुझे ऐसा लगता है कोई आदमी होगा। जब उसने गौर से देखा तो कहते हैं आप जब ये होता है आप इस टाइम पे कभी नीचे गई हैं? क्योंकि आपके तो घर के बिल्कुल सामने, नीचे उतर जाए और हम चलते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं इतनी हिम्मत मुझ में नहीं हो रही है, खाम खाम पे चढ़ बढ़ गया मुश्किल हो जाएगी भाई यार भी है अब इतना बड़ा रेस नहीं। कह रहे चलें तो कुछ नहीं होता। मैं नीचे उतरी पढ़ पढ़ के, यकीन करे अजलान उस शॉप के सामने मैं बिल्कुल अब शीशे के सामने खड़े हो गया। हालांकि वहाँ पे 5-7 मिनट के बाद पुलिस आ जाती है कि क्यों खड़े हो भाई बंद दुकान के सामने। कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। और हम वापस ऊपर आके खिड़की में देखा है कोई चीज़ ऐसे ऐसे सफ़ेद कपड़ा हो यूं यूं हो रहा है। अच्छा। अब ये आप इसको देखें, अभी मुझे पता है यहाँ पे जो नीचे कमेंट्स आएंगे वो सारे इस टाइप के होंगे, एग्जैजरेट हो रही हैं, बना रही हैं, आंटी तो खुद ही ऐसी हैं, शायद उनको पैसे मिल रहे हैं। नहीं नहीं दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। अच्छा कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपकी कितने माले की बिल्डिंग थी? हम 4th फ्लोर पे थे। 4th फ्लोर पे। अच्छा कभी कभार ऐसा भी होता है, मैं यही नहीं कह रहा कि शायद वहाँ कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसा भी हो कि लेट्स हल्के हाँ भाई वहाँ तो कपड़े भी नहीं सुखाते होंगे नहीं कि अगर लेट्स अगर वो दुकान आपको यूँ नज़र आ रही है तो आपके नीचे या ऊपर वाले फ्लोर पे किसी ने कुछ सफ़ेद चादर यूँ सुखाने के लिए लटकाई हुई और उसका शेड वहाँ पड़ा यूँ करके। ऐसा कुछ नहीं था, मतलब नीचे शॉप्स थी, चले ऊपर तो बिल्डिंग हो ना, ऐसा तो नहीं था। वो तो पूरी एक स्ट्रेट फ्रूट मार्केट और वो जो नहीं मतलब कोई ऊपर बिल्डिंग थी नहीं, बराबर में मॉस्क थी, हाँ सीधी सीधी। तो ये सारी चीज़ें अजलान कुछ कुछ ऐसी। अच्छा मैं लिटरली बहुत सारी दफ़ा में आपको ऐसा लगता है कि मिसाल के तौर पे आपका जहन उस तरफ ही क्यों जाता है कुछ और चीज़ें। मैं असाबों के मामले में बहुत मजबूत हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे मेरा जहन अगर उस तरफ जा भी रहा होता है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं तो किसी ने जादू करा दिया है, आप आपके आपका कोई लॉस हो रहा है तो आपका किसी ने जादू करा दिया है, आपका कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं छींक भी मारते हुए कहते हैं पप्पो करा है ना नहीं उसको उसको अभी क्या नया नाम दिया, बंदिश बंदिश है भाई। बंदिश ड्रामा भी आ रहा है, हाँ ड्रामा भी बड़ा चला था, इसमें बड़ी अच्छी रेटिंग थी। तो अब पार्ट 2 भी आ रहा है, शुजा उसमें मेरा दोस्त है, शुजा आ जा पॉडकास्ट में। हाँ। उनको बड़ा एक्सपीरियंस होगा, उन्हें वो मेरी तरह ही है, बावला है वो भी पागल है वो भी। अच्छा तो वो बंदिश जो ड्रामा बंदिश हो गई हाँ। बंदिश जो है ना वो एक्चुअली बंदिश ना भी हो ना, कुछ अल्लाह ताला की आजमाइश भी होती है। कुछ आप अपने इर्द गिर्द देखें कि आप क्या आपके इर्द गिर्द मतलब आप अपने अमाल भी देखें, हर चीज़ को बंदिश में ना डालें। तो उसका सबसे अच्छा हल मेरी नज़र में ये है कि आप भाई आयतल कुर्सी और 4 कुल पढ़ के इन चीज़ों को हटा दें। क्योंकि आप किसी वो बंगाली आप जो दीवारों पे देख रहे होते हैं ना फला बंगाली ये बंगाली मोहब्बत मिल जाएगी। मुझे समझ नहीं आता कि हर चीज़ बंगाली को ही क्यों टारगेट करते हैं, क्योंकि बंगाल में सबसे जादू के जो स्पेशलिस्ट बैठे हुए ना वो बंगाल में। रियली? और आप यकीन करें दुबई और शारजहा बंगाली बहुत हैं, इंडियन बंगाली बहुत हैं। आप मेरे घर में मेड थी, मुझे उसी मेड ने बोला था कि कभी भी हमारी कम्युनिटी में से किसी लेडी मेड को रखें तो उसके हाथ की मिठाई नहीं खाइएगा। अच्छा नेवर। क्यों? जादू स्टार्ट मीठे से होता है। अब कुछ देर में जो है ना वो मुझ पे वो मेरा एक चैनल बन जाएगा और उसमें सुबह जादू करनी बंगाली डाल देंगे। चल अच्छी बात है दूसरा चैनल बन जाएगा, दूसरी रोजी रोटी। लेकिन सोचने की बात है, मुझे तो मीठा बहुत पसंद है। अगर मुझे कोई रसगुल्ला मिठाई रसमलाई कुछ भी ऑफर करे मैं तो लाऊंगा। ला कितना अच्छा मेरा दोस्त है, वो भी कोई बंगाल में साड़ी वाली भाई रसगुल्ला खाओ फौरन अजलान तो पूरा डब्बा खाता हूं। मैं डब्बा खा जाऊंगा अभी। वैसे ही ये रात में उठ के बैठ जाता है यार, ये मैं क्या करूँ उसका, ये उठ के बैठ जाता है हमारा ढांचा। ये नज़र नहीं आ रहा हुआ ना स्क्रीन में, अच्छी बात है ना नज़र है भाई, देखना भी मत। ये मैंने बिठाया हुआ है, अब ये जो है टांगे वांगे लाना शुरू कर देता है। खैर मुझे एक बात बताएं, मेरा एक सवाल है, अब मैं ऑडियंस से मैं पूछना चाहूँगा कि यार प्लीज़ मुझे बताएं। देखिए पाकिस्तान में तो चीज़ें बहुत हैं, ख़ास तौर पे कराची में ये चीज़ें बहुत हैं। एंड अगर बाहर मुल्क में अगर आपके साथ कभी कुछ हुआ हो तो प्लीज़ मुझे लाजमी बताएगा। मेरा एक दोस्त है, मिन्हाज नाम है उसका ना, वो बहुत टाइम मतलब यूएस में ही रह रहा है काफ़ी टाइम से, तो अभी बीच में आया हुआ था। तो वो ह्यूस्टन में उसकी रिहाइश थी। अब वो कहते हैं यार वहाँ पे घर बहुत हॉन्टेड है। यूएस के अंदर काफ़ी सारी जगहें जो है काफ़ी सारी हॉन्टेड हैं एंड वहाँ पे चीज़ बहुत कॉमन है। मैंने बोला यार तू फेंक रहा है क्या, अब मुझे नहीं बताओ फेंक रहा है क्या, लेकिन उसने बड़े मज़े के किस्से सुनाए थे। एक उस पर किस्सा ये था कि उसका नीचे का घर था और जैसे हम फिल्मों में नहीं देखते वो बाहर एक बड़ी सी एक विंडो है उस पर कर्टन्स लगे हुए हैं एंड यू नो स्ट्रीट लाइट अंदर आ रही है। तो बोलता है कि रात के टाइम पे हम लोग नए नए उस घर में शिफ्ट हुए थे एंड रात के टाइम पे क्या होता था कि दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ होती थी, नॉक टक 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 नॉक होता था। मैं बाहर जाके देखता था कोई भी नहीं होता था, कैमरा वगैरह लगे हुए थे, कैमरे में भी कुछ भी नहीं आया। एक दफ़ा क्या हुआ नॉक हुआ है और उसने वो देखा तो खिड़की के बाहर से एक बाकायदा एक शेडो वॉक करता हुआ जा रहा है। अब वो वॉक करते 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 यू नो एक दूसरे दरवाजे की तरफ आ रहा है, शायद से किचन की तरफ दरवाज़ा निकलता था। वो किचन की तरफ गया देखने के लिए है कौन जो खटका कर रहा है। जैसे उसने दरवाज़ा खोला कोई भी नहीं था बाहर। बोलता अजलान यहाँ पे हम उसने घर पर छोड़ दिया वाला वो था, वो हॉन्टेड घर था वो। And मतलब अमेरिका में हाँ, वो तो दिख है तो हर जगह ना। मतलब आपको अभी इस रूम में ऐसा लग रहा है कि मतलब अचानक से हम बातें कर रहे हो हाँ, मतलब यहाँ है मगर आप इतना हल्के में ना लेना। नहीं मैं तो नहीं, आप इतना इजी ना। आपको पता है आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे हम बातें कर रहे हैं तो यहाँ बैठे हुए नहीं है कुछ आप वो देखें पत्ते भी चल रहे। नहीं सच्ची में अजलान मजाक नहीं करी कसम से। मैं सच नहीं ऐसा आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हो जाएगा यहाँ पे अभी, मतलब अभी कुछ हो जाए तो यहाँ हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो आपको डर नहीं लगेगा? नहीं क्यों डर लगेगा। देखें आप अजलान देखिए आप आपकी हालत खराब हो रही है आपके होंठ सूख रहे हैं आप मुझ पे। अरे मैं तो जागा हूँ मेरी तो वैसी मैम पानी नहीं आया यार पानी तो मंगवा दो। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ देखिए इस यहाँ पर तो आ चुके हैं यहाँ पे तो बसेरा कर ले क्योंकि हम इतनी गॉसिप्स कर रहे होते हैं तो उनका तो ये तो चक्कर लगाने आते हैं। यहाँ तो हमारी दोस्ती हुई लाइट बंद हो जाती है ठीक है। और मैं तो कहूँगा भाई अगर यहाँ पर कोई है तो बराए मेहरबानी लाइट बंद कर दें ताकि बाजी को यकीन आ जाए उससे बंद हो जाए लाइट तो ये सीन है। तो इंसान को चाहिए। परसों क्या हुआ? हाँ परसों हाँ लास्ट वीक हम बैठे हुए थे खाने के लिए, टेबल लगी हुई थी ठीक है। तो मेरी जो बेटी है बड़ी वो ऊपर से आके कहती है आपको पता है वो वॉकिंग कर छत पे वॉकिंग कर रही है, आपको पता है वो एक है ना कबूतर है। मैंने कहा यार क्या हो गया मरियम, कबूतर ही तो है ना बेटा, उसको अगर आया हुआ है तो उसको नीचे ले आओ, उसको पानी वानी पिला देते हैं और ये पिंजरे तो दो रखे हुए खुले उसमें रख देते हैं फिर सुबह देख लेंगे। मैं उसको हाथ नहीं लगा रही। मैंने कहा क्यों? कहती है उसका सर यानी पैर ऐसे ठीक है सर ऐसा है ना अब उसका सर ऐसा टर्न है मुंह कबूतर का जंगली वो कबूतर था काला। मैं उसको हाथ नहीं लगा रही मैंने कहा मैं ऊपर तक नहीं जा रही हूँ, तुम एक कपड़े में पकड़ के ले आओ और अगर बहुत कुछ हो रहा है तो आयतल कुर्सी पढ़ लो क्योंकि है तो अल्लाह की मखलूक ना, हो सकता है पानी पी के ठीक हो जाए मे भी तो शायद मुंडी सही हो जाए तो अच्छा हो सकता है कि उसमें कबूतर में जो है ना लकवा हो जाता है तो उसमें अच्छा। गर्दन जो है अक्सर बेशतर उसकी पीछे मुड़ जाती है तो ये कबूतर चले आपको तो मैं जानवरों में थोड़ा स्पेशलिस्ट है ना आप तो इसलिए मैं स्पेशलिस्ट तो क्या मेरे अच्छा आंसर दिया आपने मगर उसी के 3 दिन बाद बल्कि 3 दिन नहीं 2 दिन के बाद अगले ही दिन 4 मेरे पास ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स थे एक पिंजरे के अंदर है। आप बोलेंगे तो मैं आपको उसकी पिक्चर आप मुझे पिक्चर भेजिएगा बल्कि स्क्रीन के ऊपर पिक्चर आ रही होगी भाई। हाँ क्या हुआ था ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स के साथ? 4 और 6 महीने से हमारे साथ थे ठीक है सब मतलब जोड़ी फीमेल और बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन थी, बच्चे बच्चे भी हुए सब कुछ सेट था। मैं हसन हम सब संडे मार्केट गए वापस आए उसका कत्ल हुआ था प्रॉपरली उसकी गर्दन ऐसी थी पूरी कटी हुई खून टपक रहा था उसके। किसने काटा ये अब खुदा जानता है नहीं पता। मैंने 2-3 लोगों से जो अल्लाह ताला के मतलब ऐसी चीज़ों में होते हैं ना कि भाई आप घर में जो है वो जी। कोई ऐसी चीज़ कर दें धूनी दे दें या आई डोंट नो मगर बैड वाइब्स आ रही हैं या नज़र बद हो रही है तो इस वजह से हो रहा है तो आपने जो है वो थोड़ी कुछ तो सदका दे दें। तो उन्होंने बोला कि आप ज़रा एहतियात से रहिएगा आप। तो मैंने कहा इस बात का क्या मतलब है ये तो कुछ जादू टाइप का आइटम मुझे लग रहा है कि हाँ कि एकदम चार बर्ड्स, इनको पता है कि हमने यहीं रहना है, कोई नए नहीं थे, नया होता तो चले आप समझे भी कि किसी एक का फड्डा हो गया उसने कर दिया, प्रॉपर उसकी अच्छा वो कैसे मरेगा जी 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 इस तरीके से। उसने कहा आप एहतियात करिएगा, उसने इसलिए कहा आप एहतियात करिएगा क्योंकि उनके हिसाब से अगर आपके ऊपर कोई बुरी नज़र या कोई चीज़ ऐसी आने वाली होती है तो ये परिंदे अपने ऊपर ले लेते हैं, तो मैं भी कि शायद ऐसा है। तो मैंने कहा भाई मुझे बताएं मैं 1.5-2 डजन लेके रख लूँ घर में ना, तो अच्छा होगा कि बचत हो जाएगी। मगर खैर ये तो जोक से पार्ट, बट रियलिटी है। लक्का कबूतर है वो तो वो बड़ा सेफ्टी है। तो इस किस्म की चीज़ें जो है ना मैं समझता हूँ कि होती हैं, लेकिन कुछ कह ही नहीं सकते। मतलब आपको यकीन है इस पे? यानी मतलब मेरा आपसे बार बार, देखिए मैं आपसे तीसरी बार सवाल कर रही हूँ कि आपको ऐसा नहीं लगता कि यानी आप इतनी बातें भूतों के ऊपर आपने सारे पॉडकास्ट कर डाले, एक बार भी आपको डर नहीं लगा? नहीं, डर तो मुझे नहीं लगा, थोड़ा थोड़ा लगा आपको, थोड़ा डर आपको, ये एक मखलूक तो है ना, अल्लाह ताला ने बनाई है। मुझे डर नहीं लगता, बट इट्स जस्ट दैट के ये एक ऐसी चीज़ है कि हाँ है, मतलब एग्जिस्ट करती है। अब कभी सामने भड़ करके आए तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो तब देखी जाएगी तब क्या होगा। लेकिन एक दफ़ा मेरे साथ हुआ था ये चीज़ बेसिकली, एंड और ये किस्सा बहुत बार सुना भी चुका हूँ, लेकिन वो एक चीज़ आई थी एंड एक बंदे ने मुझे बताया था कि जो चीज़ मैंने डिस्क्राइब की थी उसका जिक्र बाइबल में भी। क्या पढ़ रही हैं? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही हूँ कि गिन रही हैं, क्या गिन रही हैं काफ़ी देर। आपको डर लग रहा है दरअसल? नहीं नहीं, मुझे तो डर पक्का। मुझे किस बात का डर है? हो सकता है भाई, मुझे डर नहीं है। ऑल ओके? आप तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। आप? हाँ मैं ठीक हूँ। ठीक है, मैं ठीक हूँ। यू श्योर? Are you sure? I am sure। मैं तो आपको कह रही हूँ पानी पिला दें, आप पानी नहीं पिला रहे। मैं पानी मंगवाओ। सवाल नहीं करना। नहीं पानी मंगवा। नहीं आप पॉडकास्ट पे क्यों बुलाए? नहीं पानी मंगवा रहा हूँ आपके लिए। सवाल तो करो ना। अच्छा मुझे बताएं कि आप दुबई में कितना अरसा रही हैं? दुबई में आप कितना अरसा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम का जवाब देते हैं ना, अस्सलाम वालेकुम। चाय पानी पियोगे? अस्सलाम वालेकुम। सवाल करो सवाल। अस्सलाम वालेकुम, सलाम का जवाब भी तो देते हैं। इससे जवाब लो। अच्छा सलाम का जवाब भी तो देते हैं। इससे लो। सलाम का जवाब भी तो देते हैं। अजलान जवाब इससे लो। मैं लेता हूँ। सलाम, इधर आओ। सलाम का जवाब भी तो देते हैं। सवाल पूछो सवाल। सलाम का जवाब देते हैं। सवाल पूछो। सुमैया आर यू ओके? ओके ओके ओके। पानी पिया आपने? पानी पिया? खत्म हो गए सवाल। पानी पिया आपने? पॉडकास्ट खत्म हो गई। नहीं नहीं, मैं आपको खैर मुझे बताएं कि ये क्या मैं मुझे नहीं डर लग रहा, मुझे नहीं डर। आप सलाम का जवाब नहीं दे रही हैं तो डर नहीं लग रहा मुझे। आप सलाम का जवाब डर नहीं लग रहा। आप सलाम का जवाब डर नहीं लग रहा। डर नहीं लग रहा। नहीं, आप सलाम का जवाब नहीं दे रही हैं मुझे। सवाल पूछो सवाल। किस चीज़ पे बस यही फीलिंग होती है? किस चीज़ पे बस यही फीलिंग होती है। अजलान जो मैं आपकी आंखों में देखा है ना, तो मैं 3 घंटे 2-2.5 घंटे से यही पूछना चाह रही थी। मेरा वजू टूट गया पता है। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। यार क्या है यार, प्रैंक हुआ है यार। तुम लोग जी बदतमीजी, मेरे मजाक उड़ा रहे हो। मैं तुम लोग शर्म नहीं आ रही? दफा यहाँ से तुम लोग। मुझे डर नहीं लगता। मैं तो मुझे डर नहीं लगता, मुझे डर नहीं लगता। अल्लाह अकबर। अजलान शाह जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अबे मैं बताता हूँ, मैंने ये सलाम बेसिकली मैं इसलिए भी कर रहा था, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आ गया तो, अगर भूत चुड़ैल अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके अंदर होती, लगा शुगर वगैरह नहीं है, अगर होती तो बात देखिए। मैं आपको एक बात बताती हूँ, वो जो किस्सा मैंने आपको सुनाना है वो कुछ इसी तरह का था है। हम एक घर में शिफ्ट हुए और वो घर मैंने आप समझें कि अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजियों में को संभाल के वो घर मैंने ख़रीदा। मेरे लिए वो घर इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी का बायस था क्योंकि वो मेरा घर था फॉर द फर्स्ट टाइम। और दूसरी बात ये थी कि मार्केट के रेट के हिसाब से वो घर मुझे थोड़ा सस्ता मिला। ओके। लोग कहते हैं कि आप जो है वो मतलब इस्तखारा करा लें, सही है, और घर में रहने से पहले आपने कुरान खानी करानी है, तो वो सारी चीज़ें मैंने करवा ली। इस्तखारा भी हुआ और कुरान खानी भी हुई, और मार्केट के रेट चल रहे थे तकरीबन 2, 2.5 और 3 चल रहे थे उस टाइप के घर के, ठीक है, और मुझे मिल गया 2.25 में। तो मेरे लिए तो ये बड़ी खुशी की बात थी कि भाई ये क्या हो गया। और वो सस्ता वो इसीलिए भी कह रहे थे कि भाई हमें मूव करना है और हमें जाना है, तो मे भी शायद इसलिए हम आपको ये हमें जल्दी पैसे चाहिए, तो मेरे लिए बड़ा अच्छा था। घर को मैंने 3 महीने तक डेली उसको बनवाया, उसको रेनोवेट कराया, फिर मैंने इंटीरियर डेकोरेटर को बुलाया। मुझे बड़ा शौक था कि मेरी थीम वाइट एंड ब्लैक हो ड्राइंग रूम की। तो फिर ये हुआ कि घर वर ले लिया, सारे कुछ इंटीरियर डेकोरेटर ने सब सेट कर लिया, हमने मूव होना था। फर्स्ट रात वहाँ थी कि हमने वहाँ सोचा कि हम वहाँ सो जाते हैं, पूरी फैमिली नहीं शिफ्ट हुई। हमने सोचा कि हम 2-3 काम है छोटे छोटे वो निपटा के उनको कल परसों में ले आएंगे। ऑल सेट टू गो था, सही है, सब खुश थे। 3-4 दिन के बाद दावत जो है ना घर की, नहीं हाउस वार्मिंग पार्टी तय हो चुकी थी, बिरयानी बनेगी। हसन की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी और उसको जो है ना वो एस्थमा की वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रहा था। सर्दियों के दिन चल रहे थे, ठंड की रातें, तो उसने क्या किया कि वो हसन को मैंने अपने पास लेटाया नीचे मैट्रेस पे, सही, मैं मेरे हस्बैंड जो है वो सोए में बेड पे, सही है। हमारा जो फर्स्ट वो जो एक रूम था उसमें हमने ये नहीं देखा था कि वो बेड के जो जहाँ पे हमारे पैर होंगे सोने के टाइम पे वो किबले की तरफ है। हाँ, तो क्योंकि ये तो अनजाने में हुआ ना, नया घर था, हमें नहीं पता था, वहाँ पे इतना वक्त नहीं गुजरा कि वहाँ पे मतलब कि प्रेइंग टाइम प्रॉपर हो और याद भी नहीं रहता। तो रात कुछ फजर की अजान से 5 मिनट पहले ये जो हुआ है ना, ये जो चीज़ है ये तो अभी एक दफ़ा बंद हो के, मैं सॉरी माजरत मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये एक दफ़ा ब्लिंक हुआ है ना, दूर दूर तक कोई किसी ने कोई हरकत नहीं की है। ये होता है। अभी पता है क्या लास्ट टाइम क्या हुआ था, करते करते अल्लाह की कसम खाएगा मैं कह रहा हूँ, इनसे पूछ लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, बंद हो गई थी। जब लगा रहे तब बंद हो रही है, जब लगा रहे तब बंद हो रही है। फिर मैंने बोला यार पॉडकास्ट करना है, तंग मत करो, बताओ क्या हुआ था। फिर मजाक कर रहे हैं आप, अल्लाह की कसम, रिस्क पे हाथ रख के बोल रहा मैं, मजाक नहीं कर रहा, इतनी बड़ी कसम उठाई है मैंने, इनसे पूछो, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ मैं, ये नहीं किया, ये खुद हुआ था। मतलब मुझे, मैं ये बोलूँ कि मैं दोबारा से तस्वीर शुरू करूँ, नहीं आप यकीन कीजिएगा सच्ची में मैं झूठ नहीं बोला, बहुत बहुत माजूद आपका मैंने टॉपिक चेंज कर दिया है। यहाँ पर एक साहब आए थे और मैंने जितनी भी लड़कियाँ बैठी हैं मैंने सबको बाहर भेज दिया था और मैं यहाँ बिठाया भी नहीं था। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर ये चीज़ होती है, ये लाइट वाली चीज़ हमारी ऐसी है कि हम लिटरली एंजॉय कर रहे होते, कुछ तंग नहीं करती कोई चीज़ हमें, लेकिन ये एक दफ़ा ब्लिंक हुई, चलो हो सकता है भाई लाइट हमारी ख़राब हो गई हो सकता है, हमारा स्विच बिल्कुल फिक्स्ड हुआ है, सारी चीज़ें फिक्स हैं, खुद ही खुद आई। फिर हमने कहा भाई तंग नहीं करो, वो जलती रही। अभी आपके सामने मैंने कहा था ना भी ब्लिंक होगी, खैर नहीं माजरत कंटिन्यू नहीं। तो फिर हुआ ये कि चीनी डालो भाई, मीठा बहुत पसंद है। तो स्टार्ट करूं? हाँ बताएं। फिर तो हुआ ये कि फिर जो है हमने वो लेटे हुए थे और आप यकीन करें फजर की अजान से 10 मिनट पहले मेरे हस्बैंड उठ के बैठ के मेरा हाथ पकड़ के कहते हैं वो देखो वो जा रहा है, वो देखो वो जा रहा है, तो मैंने कहा कौन जा रहा है कि अच्छा हम बड़े थके हुए हॉस्पिटल से आए थे तो मुझे इतना वो नहीं था कि चलो क्या होगा नींद वींद में कोई ख्वाब देख लिया होगा। वो प्रॉपर उठ के बैठे हुए वो आदमी लईम शईम ओह तगड़े वगड़े हसन के अब्बू और पसीने में पूरे तर हुए और उठ के बैठ के नमाज़ पढ़ी और मुझे बोला उठो। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोला ये इस्तिखारा वगैरह करवाया था कोई 2-3 लोगों से। मैंने कहा नहीं एक से ही करवाया था तो ठीक था। कह रहे वो जो आदमी था ना वो खून में था प्रॉपर खून में था। खाकी कलर का उसने शलवार कमीज पहना हुआ था, बड़े लंबे कद का था और वो कह रहा था कि घर मेरा है इसको छोड़ दो। अब आप सोचेंगे मैं किस पोजीशन पे आ गई होंगी कि मैंने इतने अरमानों के साथ। फिर ये चीज़ें रिपीट होती गई। फिर उसी रूम के अंदर मैंने एक्चुअली वो मेरी बेटी का रूम था। 11:30-12 बजे जब वो अपने रूम में जाती थी और वो कहती थी मुझे नहीं जाना मुझे नहीं जाना। मैंने कहा क्या होता है? आप नहीं मानेंगी मुझे नहीं जाना है। अच्छा मैं एक बार निकली 1:30-2 बज रहा था। हल्का हल्का दरवाज़ा ऐसे 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 मूव हो रहा था ऐसे ऐसे। तो उसकी बाउंड्री और ड्राइंग रूम ऐसे अटैच था, मतलब उसमें से दरवाज़ा था। एक बार मैंने सोचा कि ये क्या है देखूं, क्योंकि मैं थोड़ी सी मेरे अंदर एक नेचर है मुझे चैलेंजेस एक्सेप्ट करना और चीज़ों के अंदर तजस्सुस में जो है ना वो मैं बहुत दूर तक पहुंच जाती हूँ। तो मैं जब ड्राइंग रूम के अंदर गई हूँ, जब मैं पहुंची हूँ मैंने लाइट खोली है, लाइट ब्लिंक तो अपनी जगह चले होती क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा वो वोल्टेज का इशू था। वो हमारा टर्किश लैम्प था, उसमें वो बॉल्स जो होते हैं उसके जो लैम्प्स में जो पॉट्स जिसको कहते हैं वो लगे हुए थे। उसमें से एक गिरा है प्रॉपर गिर के टूटा है अजलान। और मैं जब वहाँ पे पहुँची हूँ मैंने अपने बच्चों को आवाज़ दी, मैंने सबको घर में आवाज़ दी कि भाई ये लैम्प टूटा कैसे टूटा। मैं तो अभी आई। वो सामने से मुझे कह रहे हैं आपका हाथ लग गया होगा, आपका वो टर्किश लैम्प पे पैर लग गया होगा, आपको ख्याल नहीं रहा। मैं उनको बता के खैर वो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। सुबह उठी हूँ, मतलब दोपहर 1-1:30 बजे जब मैं ज़ोहर की नमाज के टाइम बाद वहाँ गई हूँ। मैंने जो है अपने जो चौकीदार है जो ड्राइवर है कि इस कोई इलेक्ट्रीशियन को ले आओ या कोई बंदे को ले आओ या गुल प्लाजा जाके इस जैसी कोई चीज़ मिलती हो तो इसका ऑल्टरनेट उठा लो। मैंने दरवाज़ा खोला, रेलिंग वाला दरवाज़ा था सामने। मैंने कहा ये वाला आखिरी। तो वो अंदर कहता है भाभी कौन सा पॉट टूट गया? मैंने कहा वो जो टर्किश में जो 4 लगे हुए थे ना उसमें से एक टूटा है। अब मैं नमाज पे बैठी हुई हूँ। कह रहे मुझे तो नहीं नज़र आ रहे कौन सा है। मैंने कहा तुम पागल हो गए हो अबरार, 4 थे उसमें से एक टूटा है नज़र नहीं आ रहा। मैं गई हूँ वहाँ पे वो फिक्स था वाकई में और बना हुआ। ओए 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 अनबिलीवेबल चीज़ थी मेरे लिए। और सच्ची बात है उस घर में हम बस भी नहीं सके। कितना साल है वहाँ पे? विदिन 1.5 ईयर सिचुएशन इतनी क्रिटिकल होती गई इतनी। मैं कमरे से बाहर निकल रही हूँ एकदम टीवी खुल गया। अच्छा वो बच्चों के पास में वो आजकल वाईफाई सिस्टम है ना तो मुझे ऐसा लगता था ये लोग मस्तियाँ कर रहे हैं मोबाइल से कि वो खोल देते हैं, मजाक कर रहे हैं कि उनको पता है कि भाई इस जगह पे ऐसा कुछ है तो अम्मा डर जाएंगी। और मेरे पास वो वीडियो अजलान आई विल सेंड यू। मैं ज़ाहिर आप इस पर तो नहीं लगा सकते क्योंकि उसमें मेरा कुछ नाइट वेयर वगैरह पहना हुआ है, बट येस आई विल सेंड यू कि मैं रूम से बाहर निकली हूँ, टीवी बंद था। मैं आपको अभी भेज रही हूँ, मैं आपको अभी भेज रही हूँ। बाहर निकली हूँ, टीवी बंद था। जब मैंने वो सेकंड सोफा क्रॉस किया है फुल आवाज़ में टीवी खुल गया। अब मैं उस वीडियो में देख भी रही हूँ कि ये क्या है। अब वीडियो बना कौन रहा था? नहीं वो हमारे पास सीसीटीवी कैमरा घर के अंदर पूरे घर में हमारे लगे हुए सिवाय बेडरूम्स के, क्योंकि मैं अपने जॉब पे जाती थी तो मेड्स घर में होती थी, बड़ी बेटी यूनिवर्सिटी में होती है, बाकी दोनों स्कूल में, तो मेड अकेले घर में। तो मैंने वो सीसीटीवी में वो फुटेज आ गई। टीवी के ऊपर कर्टन के रॉड में वो सीसीटीवी छुपा हुआ था। और वो भी मज़े की बात आपको बताऊं, उस सीसीटीवी के साथ स्पीकर भी है, माइक भी। तो आपको आवाज़ के साथ वो चीज़ समझ में आएगी। भाई आपस में देख रहे हो तुम लोग, मुझे भी दिखाओ ना यार, ये क्या बदतमीजी हुई। अच्छा जी, ओए होए होए। इसके बाद मैं वहाँ खड़ी रही हूँ, मैंने रिमोट उठाया है और मैंने अपना बंद किया है टीवी। और उस वक्त घर में कोई बच्चा मौजूद नहीं था कि जो ये मजाक मस्ती भी कर सके। So all this happened. कितने पुरानी बात है ये? इसको हो गए 2.5 साल, क्योंकि फिर अब हम नए घर में शिफ्ट हुए तो वहाँ हम बस नहीं सके, वहाँ पे हर चीज़ ख़राब होती है। अच्छा कभी हमने यहाँ बहुत किस्से सुने, कभी ऐसा हुआ लाहौर का, इस्लामाबाद का, पेशावर का? यहाँ का किस्सा नहीं सुना मैं, भेज मुझे भी भेज। कौन सी वाले? यहाँ कभी सुना है आप लोगों ने कभी कुछ ऐसा सीन लाहौर इस्लामाबाद का? मेरा एक दोस्त है लाहौर सदीद, कराची शिफ्ट हुआ है, वो कहता है यार ये साला ये कराची में ये एंड मची हुई है, लाहौर में मैंने नहीं सुना कि इधर कोई दुल्हन आ गई या उधर ये हो गया वो हो गया। अजलान मैं आपको एक बात बताऊँ, असल में हमारे कराची वालों के पास ना थोड़ी फरागत बहुत ज़्यादा है। ये बिल्कुल आपने सही बात बोली है। इसकी वजह ये भी है, ये मैं जेन्युइन बात बता रही हूँ, मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिले कि मुझे मतलब ज़ाहिर है आपकी जॉब्स में आपको बड़े ऑप्शंस मिलते हैं कि आप कहीं मूव हो जाए। मैंने बड़ा सोचा, किसी वजह से फॉर फ्यू सर्कमटेंसेस कि मैं कराची नहीं फ़िलहाल छोड़ सक रही, बट फ़िलहाल मगर मेरा दिल ये है कि मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं लाहौर या इस्लामाबाद चूज़ करूँगी। क्यों वाई? मैं वहाँ पे गई बहरिया टाउन, मैं वहाँ पे गई डीएचए, किसी भी फेज़ में चले जाएं, लाहौर अंदरून लाहौर या पुराना लाहौर से हटके अगर आप आ जाएं तो आप कुछ भी पहन के जाएंगे, नोबडी केयर्स। आपका वहाँ लाहौर की आपने घरों की कंस्ट्रक्शन देखी हुई है, हाई क्लास हाई क्लास। वहाँ पे कोई किसी के घर में आके जलेगा नहीं कि उसने ऐसा क्यों लगाया, अरे ये तो देखो उसका झूमर तो देखो 3 लाख का झूमर लगाया, इसका मतलब महीना कितना कमाते होंगे ये लोग। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, हर इंसान को दूसरे इंसान की लगी हुई है, तो उस लगे हुए में एक तो हसद शुरू हो जाता है। और आप जब किसी को बोल के जाओगे किसी भी अजलान घड़ी चेक करो यार कितनी, कौन सी है फला ब्रांड की, कितने के लिए पता नहीं यार, वो मैं गया था दुबई एक्सपो लगा हुआ था, 8-8.5 लाख की मिली थी। अजलान शाह 8.5 लाख की घड़ी पहनता है तो क्या इसके पास होगा भाई, ऐसे ही कराची के अंदर वो भी पहन रहा है। अजलान दिस इज़ द पॉइंट कि हम आगे नहीं बढ़ सक रहे, क्योंकि वो नज़र वो हसद, फिर उसके बाद क्या होता है, दूसरी को बताएगी तीसरी को बताएगी, फिर इसके बाद बहुत नियरेस्ट होते हैं ना जो इस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे होते हैं, फिर वो जाते हैं जादूगरों के पास। अब आप इस वक्त हम किसी भी छोटे लेवल के जादूगर नहीं तो आप उसको आमिल कह लें, फलाना कह लें, ये बंदा आपका मसला हल कर देगा, फलां औरत दूसरे औरत को नंबर दे रही होगी कि तुम यहाँ पे चली जाओ ये तुम्हारा मसला हल कर देगा, तुम्हें बता देगा कि तुम पे जादू कराया किसने, नाम बताएगा, नाम हमें बड़ा तजस्सुस होना शुरू हो जाता है, नाम पता चलेगा कि कौन है, हाँ नाम उनको पता चल जाएगा। क्यों? मौकिल हाजिर होते हैं, उसका मौकिल उसने ले लिया, उसका मौकिल, क्योंकि हमारी बैक पे एक तो इंसान हमारे साथ जुड़ा हुआ ही होता है ना जिसको ये लोग अपने काबू में कर लेते हैं, दिस इज़ ट्रू। तो वो मौकिल को अच्छा ये अब आपने पहले किसी, मैं कहती हूँ लो कैटेगरी का 3rd क्लास आमिल बाबा पकड़ लिया, लो कैटेगरी 3rd क्लास है यहाँ पर भी जाए, सही बात है, अब आपने उसको पकड़ लिया, एक आंटी ने आपको बोल दिया कि ये तुम्हारा काम कर देगा, आइदर आपका शोहर से आपकी तलाक होने वाली है या वो आपकी बात नहीं मानता और आपको उसको जोरू का गुलाम बनाना है, आइदर आपको पसंद है एक बंदा जिससे आपको शादी करनी है, आइदर आपकी बंदिशें हो रही हैं आपके कारोबार में, आइदर आपकी बच्ची के रिश्ते नहीं आ रहे, ये सारे मैटर्स में आप उस बाबा से कांटेक्ट करें। बाबा को कॉल की, बाबा कहते हैं अच्छा सही है बीबी, थोड़ी देर के लिए मैं ज़रा आधे घंटे के लिए नमाज के बाद थोड़ा अपने आस्थाने में बैठूँगा, आप 8:30 बजे मुझे कॉल कीजिएगा, ठीक है। अब वो बंदी तो बड़ी डेस्परेट होती है या बंदा जो भी है, 8:30 बजे एग्जैक्ट 8:30 की उसने अलार्म लगाई हुई होती है कि उसको जो है ना बाबे को कॉल करना है, बाबे को कॉल मिलाया, जी हाँ मुझे याद आया आपने कॉल की थी, अच्छा मसला बताएं। उसने मसला बताया कि मेरे साथ ये मसला है, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ मगर वो मेरा हो नहीं रहा, उसकी माँ ने उसकी कहीं और शादी कर दी है, तय कर दी है, बाबा कुछ कर दें, बाबा ऐसा कर दें कि उसकी माँ मान जाए नहीं तो वो मेरे साथ भाग जाए। ठीक है, आप अपनी तस्वीर भेजें और उसकी तस्वीर भेजें, पहला इनका सिलसिला ही शुरू, ओके तस्वीर आ गई, उनकी तस्वीर भी आ गई, तस्वीर चली गई व्हाट्सएप पे, बाबा के पास का नंबर भी आ गया, बाबा ने अपने बराबर वाले को बोला इसका नंबर सेव कर लियो, मसले में फंसा हुआ है। अब ये सब हो क्या, आदि बेटा ये तो जो आपका मामला है ना ये तो हल हो जाएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला के ऊपर है, हम पूरी कोशिश करेंगे, मगर मामला अब अल्लाह ताला के ऊपर है, मगर कुछ कब्रस्तान के मामलात हैं जिससे ये मामलात तय होंगे, तो वो तो है बड़ा एक चिल्ला काटना पड़ेगा और ये सारे मामलात से गुजरना पड़ेगा जिससे हमारी फिज़िकल हेल्थ बहुत ख़राब होती है, हमारे सारे मैटर्स पूरी रात बैठना पड़ता है। बाबा प्लीज़ कर दें, बाबा मैं इसके बग़ैर नहीं रह सकती, बाबा मैं मर जाऊँगी मुझे ये ना मिला तो। ठीक है, ये 6-8 चीज़ें चाहिए कब्रिस्तान से इसकी मुंडी चाहिए, फला बकरा चाहिए, वो वाले भेड़ चाहिए, जो वहाँ पहाड़ी भेड़ चाहिए और ये चाहिए वो चाहिए। तकरीबन आपका खर्चा आएगा, अच्छा वो राउंड फिगर भी नहीं बताते कभी कभी, तकरीबन आपका खर्चा आएगा, आप समझ लें 70 और 3 मिलाएं कितने हुए, कितने अजलान? 73,000। ये तो इनिशियल है, इसमें बंदा जो है ना वहाँ से तो काम उसका होगा ख़त्म, फिर आपका करेंगे कि आपकी तरफ कैसे आएगा। 73 में से उस बंदी ने 53 आपको इजी पैसा करा दिए, जायज़ कैश करा दिए, ज़रा सा 2 दिन गुजरे, बाबा कुछ हुआ नहीं। अच्छा बेटा आधे घंटे के बाद सफ़ेद कपड़ा पहन के खड़ी हो जाना छत पे। अच्छा। और वो जो पेंडिंग अमाउंट थी ना वो भेज देना, ख़त्म, वो बाबा की ऐसी वाली लिस्ट में आ जाएंगे। ये हो रहा है, इसलिए कराची के अंदर हर दीवार पे हर जगह पे लिखा हुआ है, क्योंकि लोगों का ईमान बड़ा कमज़ोर हुआ है। अल्लाह माफ़ करे, मैं अपनी ज़िंदगी के ऐसे ऐसे फेजेस से गुजरी हूँ, ऐसे ऐसे फेजेस से गुजरी हूँ कि इसके बाद इंसान, या तो आप वाकई बाबा आमिल वामिल के पास चले जाएं, बहुत सारे मुझे ऐसे आए, यकीन करो लिटरली मुझे हर बंदा ये कहता था यार तुम्हारा तो मसला ही नहीं हल होके दे रहा, इतने सालों से तुम इन चीज़ों को फेस करी हो, ये बंदा है, ये बंदा है, ये तो ऑथेंटिकेटेड है, सिर्फ 1.5 लाख रुपए लगेगा, कसम से तुम्हारा काम हल जाएगा। बहुत सी दफ़ा यकीन करो, ईमान टूटने की बात नहीं है, मगर गाड़ी के अंदर जब वो पर्चे फेंक के जाते हैं ना, हाँ जी, वो देख के दिल चाहता है। अब तो हम गेम खेल रहे होते हैं ना, मैं कुकिंग मैडनेस खेल रही होती, तो उसमें भी आता है कुकिंग मैडनेस उसमें भी आता है कि आपका मसला हल फला आमिल, सही है। ये जब पर्चा हाथ में लेके मेरा एक पल को कभी दिल चाहा भी होगा, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं अल्लाह से बहुत माफ़ी मांगती हूँ, और दूसरे पल में ये पर्चा ये फाड़ के ये सोच के बोल के ऐसे उड़ाती हूँ कि अगर ये काम पैसे देने के बाद ही होना है तो वक्ती होना है, और मुझे ऐसी कोई चीज़ चाहिए नहीं जो वक्ती हो, मुझे चीज़ वो चाहिए जो अल्लाह ताला की तरफ से ऑथेंटिकेटेड हो, जिस पे स्टैंप लगाओ कि ये तुम्हारे लिए है, और अगर जिसके लिए मुझे पैसे देने पड़े तो वो फिर मेरे लिए नहीं है। तो मेरे ज़िंदगी में बहुत ख़तरनाक मराइल आए हैं, जिसमें सिर्फ मैं एंडिंग ये सोच रही थी कि या तो कोई जादू की छड़ी घूम जाए या फिर मैंने खुदकुशी कर लेनी, लिटरली मैं उस पॉइंट पर आ गई थी। मगर अजलान आफ्टर अ डिकेट छड़ी घूमी है, सबर मांगता है ना, सबर किया है, और वो छड़ी घूमी है, और वक्त बदला है, हालात बदले, यकीन नहीं आया कि आज हम उस मकाम पे खड़े, शायद वो तो हम कम सोच रहे थे, हमें उससे बहुत ज़्यादा मिल गया। सारी चीज़ों की एक ही बात, ट्रस्ट ऑन अल्लाह, अल्लाह पे कामिल यकीन करें। सारे जादू जिन जिन्नात अल्लाह ताला की मखलूक हैं, होंगे, बट उनकी एक रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारी साइकोलॉजी। मेरी एक कज़न सिस्टर है, मैं 13 साल की थी, 13 साल की थी अजलान, उनके साथ कुछ ऐसे मामलात होने लगे, उनकी मैरिड लाइफ ख़राब होने लगी, और वहाँ पे वो जब हमारी जो आंटी हैं, वो हम एक बार गए तो मैंने कहा मुझे उस तजस्सुस में मैं गई थी, वरना बच्चों को वहाँ पर आने भी नहीं दे रहे थे, मैं वहाँ पे गई ऐसे, मैंने कहा मैं तो बाहर बैठूंगी। वो बाबा है, उसने उस लड़की की नाक जलाई है, रुई है ना, उसमें तेल डाल के नाक जलाई है ताकि उसको सबक मिल जाए जो उसके अंदर घुसा था। एंड 3 साल के बाद आपको ये पता चलता है कि वो कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ मियाँ को डराने के लिए, धमकाने के लिए, सास के साथ में वो जो सारे मामला थे उसको करने के लिए उसने इतना पेन लिया कि एक वॉशरूम के अंदर वो गई है और उसने बोला है कि ये देखो आग लग गई, बाहर निकली तो, एंड शी वॉज इन गाउन। क्यों? क्योंकि उसको वो पहनना इसलिए पड़ा क्योंकि वो साबित कैसे करेगी कि भाई ये बात सच है। मेरे फादर वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा तुम लोग बाहर जाओ, ये बाबा को नीचे बिठाओ, मैं ज़रा आ रहा हूँ। वो गए, उन्होंने जो ना कैबिनेट्स खोली, वो एक तो वो आप वॉशरूम के अंदर जो नहीं नीचे कैबिनेट्स बनी होती है। उस कैबिनेट के अंदर एक पाउच रखा था, और वो पाउच उन्होंने उठाया, उसके अंदर कोई एक ऐसा चूरा जैसा कुछ रखा हुआ था, ये मिट्टी जैसा चूरा रखा हुआ था। मेरे अब्बू ने वो पाउच ले लिया और वहाँ पे किसी को बताया नहीं कि उन्होंने वो ली है। वो लेके, चूँकि वो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर थे केमिकल के और हर्ब्स के और बिटल नट्स के, तो उनको ऐसा आइडिया, वो पता नहीं क्या है, ज़रा इसको चेक करवाता हूँ। केमिकल मार्केट में गए, उन्होंने सबसे बड़ा जो फाइनेस्ट जो चेकिंग करता था, आई डोंट नो उसको क्या, कि लैब टेस्ट वगैरह जो करते थे, उनको बोला, उन्होंने बोला रईस भाई मुझे आप ये ला के दे दे, मैं देखता हूँ। उन्होंने चेक किया, आधे घंटे के बाद बोला इधर आए आप मेरे पास, मेरे लेबॉर्ट्री में। लेबॉर्ट्री में उन्होंने ये जो है ना मट्टी जो है उसको ऐसे करके उड़ाया ना तो आग लगी। दिस इज़ सम टाइप ऑफ केमिकल। केमिकल की एक रेंज में ये भी एक चीज़ आती है, किसी मशीन में जो आग वाग लगाने के लिए जो नहीं एक भट्टी गरम करते हैं और बहुत ज़्यादा आग की ज़रूरत पड़ती है, तो ये वो केमिकल था जिसको ऐसे करेंगे तो आग लगेगी। और मैं आपको बता दूं कि ये जिन है तो आप मान जाएंगे ये जिन है। तो ये सारी चीज़ें जिसका अल्लाह पे यकीन नहीं होगा वो ये सब इन चीज़ों में पड़ा रहेगा। इसमें जलालत है, इसमें जलालत है, इसमें पैसे का ज़िया है, इसमें हसद है, और इसमें बाद में जब आप कब्र में जाने से पहले आपको आपका रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है। कोई ना कोई चीज़ आपके ऊपर ऐसी जिंदगी बुराई, ऐसी मौत इबरतनाक होती है, सखरात जिसको बोलते हैं ना, किसी की बुराई में कुछ करना। आपको अल्लाह ने अगर इतना दिया तो आप इतने में खुश रहो ना भाई। इतना देने के लिए या तो मेहनत कर लो, और आपको लग रहा है कि नहीं मेरे नसीब का इतना। देखिए मैं अभी इस वक्त मैं पर्सनल अपने आप को बोलूँ कि मैं मेरे पास लैंड क्रूज़र होनी चाहिए तो मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ। मेरे पास अगर कोरोला है तो मैं ये बोलूँगी कि 2012 की है, 2022 की हो। मैं ये सोचूंगी तो मैं सुकून में रहूँगी। मैं अगर ये सोचूंगी मेरी कज़न के पास या मेरी बहन के पास या मेरी नंद के पास या मेरी भाभी के पास लैंड क्रूज़र या फॉर्चूनर में वो घूम रहे हैं, तो अजलान मुझे कभी सुकून नहीं आएगा, फिर मैं किसी भी हद तक जाऊँगी। तो बस अल्लाह ताला पे कामिल यकीन रखें, उस पर भरोसा रखें। देने वाली ज़ात वही है, उसने अपने हिसाब से सबको दिया है, कहा है मेहनत करो फल मिलेगा। तो मैं ऐसे मैंने बहुत क्लोजली ऐसे कुछ लोगों को देखा है जिनकी जो मौत हुई है तो बहुत ही इबरतनाक हुई है। एंड अल्लाह हिदायत दे ऐसे लोगों को। जीते जैसे निशान थे। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, बट डेथ से पहले चीते के नाखूनों वाले निशान नहीं होते, ऐसे निशान थे। एंड में काला जादू या किसी भी नौयत का जादू, आपको सब जादुओं का हल पता है, कुरान में बिल्कुल तर्जुमे के साथ है, आप पढ़े। मखलूक है, कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक लड़की है, अब आपने मुझसे ये सवाल नहीं किया, मैं आपको बोलती हूँ। एक लड़की है जिसको उसकी माँ कह रही है 2023 का दौर है, टिकटॉक का दौर है, रात को लाइट में लड़की जो है अपनी वीडियो बना रही है, बाल खुले रख के, परफ्यूम लगा के। ये हमारी माएँ तो मना करती थी ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए। डबल टैप, तो क्या ये सच है? डबल ये बीफ इस पे लगना चाहिए। तो हमारी माएँ तो मना करती थी कि आप सर पे ओढ़ो, रात के टाइम पे परफ्यूम नहीं लगाओ, बाल खुले रख के नहीं निकलो। व्हाट इज़ दिस? तो ये कुछ केयर्स जो हैं वो नेसेसरी है, किसी वजह से कहे गए हैं कि वो नेसेसरी है। अब आपने उसको बोल दिया कि भाई रात में तो है जो वो फला गैस निकलती है और सुबह ऑक्सीजन होती है और ये होता है, तो साइंटिफिक चीज़ें तो ये हैं भी, मगर बारहा ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। और किसी अब एक जो खातून है जो एक्सपेक्ट कर रही है वो मेहंदी लगाती है। अब पुरानी आप नानी दादी को मेहंदी नहीं लगाओ खुशबू आती है, गजरे नहीं पहनो खुशबू आती है। कुछ चीज़ें हिंदुआना भी आई हैं, मगर यस कुछ चीज़ों में आपको ख्याल करना है और अपनी हिफाजत खुद करनी है। और अगर कुछ हो भी जाता है, चार कुल पढ़ें, आयतल कुर्सी पढ़ें, अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह कुछ नहीं होता। और जो नमाज का पाबंद है ना, लिख लें अजलान, उस पर कोई बुराई नहीं आ सकती, बेशक आके चली जाएगी। बेशक मेरा माना हुआ है, मरती मर जाऊंगी नमाज नहीं छोड़ूंगी। सुभान अल्लाह। हर मोमेंट पे वजू में रहे, नमाज नहीं छोड़े, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, कुछ नहीं होगा। ज़बरदस्त। समझिए, थैंक यू सो मच आप आई हमारी पॉडकास्ट में, आपने इतनी अच्छी बातें की, मेरी इतनी बैंड बजे यार। आपकी बैंड बजी ना, मैं बता रहा, वजू टूट गया था मेरा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बॉयज एंड गर्ल्स, अंकल एंड आंटीज एंड ऑल द जादूगर्स। ये थी आज की पॉडकास्ट। लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आप क्या समझते हैं इस बारे में, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। अगर आपके साथ कभी कोई ऐसा वाक़या पेश हुआ हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। मिलते हैं बहुत जल्द, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।